अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शॉर्ट डिविडेंड वीडियोस आज की डीजी खान सीमेंट डीजीकेसी जुलाई टू जून 30th फाइनेंशियल ईयर यूज करता है। 10 रुपए फेस वैल्यू है और इसने इस दफा जो डिप ली है वो 80 रुपए लगाया। आज का रेट है 86 रुपए 62 पैसे, ऑलरेडी 6 रुपए 6.5 रुपए ऊपर आ चुका। तो डीजी खान सीमेंट, मैं आप लोगों को वाजे कर दूं कि ये डीजी खान सीमेंट अभी और एक बारी गिरना है और वो नवंबर के एंड में और दिसंबर में कहीं जाके होना है। आप में से कोई साहब अगर ये सोचें कि ये सबसे लोएस्ट है तो नहीं नहीं, ये आप इसको 5-7-10 रुपए पे जल्दी से निकाल के निकल जाएं, क्योंकि जो सीमेंट की सारों की डिप आएगी ना वो आएगी दिसंबर की मिड में जब डिप आएगी। अगर आप इस वक्त का 80-85-84-86 वाला लिए बैठे होंगे तो फिर आपको बड़ा अफसोस होगा। तो मैं आपको कहूंगा कि अगर आपने 86 पे लिया है तो 89 पे निकाल दें, 89 पे लिया है तो 92 पे निकाल दें। ये 92-95 तक तो जाएगा, 100 तक का भी चांस है। तो कोई भी इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता। ग्राफ के मुताबिक मेरे हिसाब से ये 92-93 दी हाई मोस्ट जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है अगर 92-93 पे ज्यादा सेलिंग हो गई तो ये और ऊपर जाएगा। तो सेठ जो है वो कां की तरह है, काले कां की तरह है, वो बहुत सियाना है। उसको दूर से इशारा भी हो ना कि उसको कोई पत्थर मार रहा है तो वो पहले उड़ जाता है। ईयर एंड डिविडेंड 1 रुपया है। ये मूंगफली आपको नहीं चाहिए ना ले, मैं इसके पीछे नहीं हूं। अर्निंग पर शेयर 9 रुपए, कंसोलिडेटेड ये अर्निंग पर शेयर 9 रुपए है। बुक क्लोजर इसका 21 अक्टूबर से 28 अक्टूबर है। एक्स डेट इसकी 19 अक्टूबर है, 19 अक्टूबर को इसने एक्स हो जाना है। जिसने डिविडेंड लेना है 19 तक होल्ड करे, 19 के बाद अगर इसको अच्छा रेट मिलता है तो बेशक बेच दे, लेकिन डिविडेंड मिलेगा। अगर 18 या 18 की क्लोजिंग से पहले आप इसको बेच देते हैं तो फिर आपको कैपिटल गेन मिलेगा, फिर आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। लास्ट 52 वीक लो हाई में 80 इसने लो लगाया, 143 हाई लगाया। अगर आप लास्ट 30 डेज लो हाई में देखें तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एस्टॉनिशिंग है कि 28 रुपए का डिफरेंस है। लेकिन इस वक्त आप कोई चांस ना लें, आपने जो ले रखा है उसको निकालने की कोशिश करें और फिर उसके बाद डीजी खान सीमेंट उस वक्त लें जब ये 50-55-52 पे मिलता हो। इससे पहले आपने नहीं लेना। फिर आपने ये नहीं सोचना कि मैं 72 पे लेके तो इसको 75 पे निकाल दूंगा, ये फ्री फॉल गिरेगा। और आप 52 से पहले कभी ना लें और इंशाल्लाह आप 52 देखेंगे। मेरे हिसाब से इस साल थोड़ी मंदी ज्यादा है और मंदी से अभी थोड़ा रिकवर ही हुआ है, तो अभी चांसेस हैं कि ये 50 से ज्यादा नीचे गिरेगा। लास्ट फिस्कल ईयर लो हाई में 47 लो था, 118 हाई था। मेरे हिसाब से आप 50-52 पे बाई करें और 143-140 पे सेल करें। 140 एक बड़ी साल में ये जरूर टच करता है, लेकिन जो अगर आप 4000 कोई लेता है 50-52-52 पे 4000-5000 लेता है तो उसको 7 का 7 निकालना होगा। यकमुश्त आप 5000 पे 140 पे नहीं पहुंच सकते, तो आपको कम से कम 45 से लेके अगर 20-25 रुपए 75 पे 1000 बेचना पड़ेगा। 100 पे 1000 बेच दें और 115-120 पे 100 हजार बेच दें,
1000 आपको बेचना पड़ेगा अगर आप 143 पे जाना चाहते हैं, तो जो हाई लगाए ना 129 या 132 वहां पे भी आपको 1000 बेचेंगे तो फिर आपको 138.40 मिलेगा। फिर आप 138.40 पे जो भी आपको नजर आता है उसमें थर्ड करकम मारें और जान छुड़ाएं। गिरते हुए DGKC में बेचने का कोई फायदा नहीं होगा। जब ऊपर जा रहा हो उसके बाद बेशक वो 2 रुपए ऊपर चला जाए, आपको अफसोस करना या मुड़ के देखने की कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि 1-2 रुपए अगर वो ऊपर जाएगा तो आपको अफसोस होगा अगर आप 138 पे फाइनल आखिरी वाला 1000 बेचेंगे। बाकी बाइको ने अजीब सी गेम खेली है। बहुत सारे लोग अजीब के सिर्फ इस बात पे कि सस्ता है और बड़ा अच्छा है। क्या है KSE में जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो एक दूसरे को ताना देते हैं जब वो कोई ढीला सुस्त या फंसाने वाला स्केप्ट अगर कोई बाय करता है तो उसको हम बाबे बाबे एक दूसरे को कहते हैं कि यार ये तो KSE का बाइको है, ये स्क्रिप्ट जो तूने लिया है ना ये KSE का बाइको है, ये ताने के तौर पे यूज होता है। तो अजीब है, 10 रुपए 22 पैसे इसी मूवमेंट में इसने लगाया, 9 रुपए 90 या 9 रुपए 80-82 पैसे के ऊपर ये काफी देर खड़ा रहा, 2-2.5 दिन वर्किंग डे, और ऐसे लग रहा था जैसे बाइंग हो रही है। और बहुत सारे लोगों ने 9.80-9.85 पे लिया और वो मुझे रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो अक्सरियत को यही कहा कि भाई बाइकों में ना जाओ, ये हायर रेज है, ये यहां से गिरेगा, मार्केट नीचे जानी है। लेकिन मुझे भी फॉर श्योर नहीं था, इसलिए मुझे ये कंफर्म नहीं था कि मार्केट यहां से गिराएंगे। मैं समझता था कि ये 45,700 से वापस उठा लेंगे, लेकिन वो वहां से उन्होंने गिराई और उससे ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि 100 इंडेक्स को ज्यादा नहीं गिराया एज कंपेयर टू इन्होंने स्किप जो ज्यादा गिराई है ना, ज्यादा बड़े स्किप आप उसको देखें जिसने 900 में सीमेंट लिया हुआ लख, अब वो भी बैठे हैं, वो भी मुझसे पूछ रहे हैं अब ये 900 कब जाएगा। भाई ये तो अब अगले अप्रैल मई में जाएगा, अभी नहीं जाएगा। तो ये 8-7 महीने बैठो यार, अब क्या है, कुछ नहीं हो सकता। सवाय इसके के जिस दिन माइनस का चांस हो या फोरकास्टेड हो कि आज माइनस होगी, उस दिन आप 1-2-500 ऐसे सेल करें और 2-3 रुपया नीचे बाय कर लें। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ये लक जो है 500 तक जाता है, जिस रेट पे भी आप उस दिन हाई समझे उस दिन बेच दे और 2-3-5 रुपए पे डेली बाय कर लें, 2-3-5 रुपए पे मिल जाता है। तो ये आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। बाकी बाइको को हम देखते हैं कि वो इस गिरावट में जुमेरात को 7.96 लगाया, 7.96 मिनिमम लगाया इसने जुम्मे को, फिर ये उठ के 8.38 रुपए पे आ गया। आप यकीन कर सकते हैं कि जो चीज 9.90 रुपए पे शो कर रही थी, इजहार ये कर रही थी कि मैं ऊपर भाग चलूं, अक्सरियत को यकीन था कि यहां से ये 12 कर जाएगा। और फेसबुक की पोस्टें बहुत दगा देती हैं, फंसाती हैं, धोखा देती हैं, गलत बयानी करते हैं लोग, टाउटिंग क्या करते हैं, जिसने इन्वेस्टर ने 2-3 लोगों को लगाया होता है कि चलो भाई जाओ भाई लगा दो पोस्टें कि ये 12 कर जाएगा, लोग लेते हैं, लेने वाले लेते हैं, 20-20 हजार लेते हैं, 10-10 हजार लेते हैं। वो जनाब 9.90 रुपए गिर के तो वो 7.96 लगा दिया, हॉरेबल। फिर उसके बाद उससे फौरन अगले दिन फ्राइडे वाले दिन 40-45 पैसे ऊपर कर गया। छोटे स्केप तो मैक्सिमम भी लगाए हैं। लेकिन एक और चीज मैं आज मेंशन करना चाहता हूं कि इस बाइको के चक्कर में ये अफवाह फैलाई गई फेसबुक के ऊपर, अक्सरियत ने मेंशन किया बाइको बंद होने लगा। इतना आसान नहीं है,
लेकिन इंसान इसलिए भी उसमें दखल नहीं देता कि क्या पता बंद होने वाली, लेकिन वो सरासर झूठ थी। उसके बाद ये अब फिर दोबारा पोस्टें लगनी शुरू हो गई कि भाई को 12 पे जाएगा। चलो इल्लल्लाह, भाई करें फिर रहे नाम अल्लाह का। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी फेसबुक के ऊपर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। राम राम।